दोस्तों अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म सूर्यवंशी जो है उसका लास्ट शूटिंग शेड्यूल चल रहा है, यानी कि फिल्म पूरी कंप्लीट शूट हो चुकी है, बस थोड़ा बहुत जो क्लाइमेक्स बचा है वो शूट किया जा रहा है। हाल ही में कैटरीना कैफ ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फ़ोटो साझा किया और शेयर करते हुए लिखा कि आई एम शूटिंग फॉर सूर्यवंशी नाउ। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि कैटरीना कैफ का जो थोड़ा बहुत शूटिंग यानी कि सीन्स बचे हैं फिल्म के अंदर वो कंप्लीट कर रही हैं ताकि फिल्म फटाफट रेडी हो जाए और दर्शकों के सामने पेश किया जाए। आपको बताते चले कि फिल्म को खबरें सामने हैं कि अगले साल मार्च में 2020 में रिलीज़ कर दिया जाएगा। आपको बताते चले दोस्तों कि इस फिल्म के अंदर अक्षय कुमार काफ़ी दमदार लुक में दिखने वाले हैं, क्योंकि अक्षय कुमार का इतने लंबे समय बाद एक्शन अवतार दिखेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस फिल्म के अंदर आपको सिम्भा और सिंघम यानी कि रणवीर सिंह और अजय देवगन एक साथ दिखने वाले हैं, और जब लास्ट का क्लाइमैक्स सीन होगा तो उसके अंदर इन तीनों को यानी कि सूर्यवंशी, सिंघम और सिम्भा तीनों मिलकर दुश्मन से लड़ते हुए दिखेंगे। दोस्तों काफ़ी दिलचस्प होने वाली है ये फिल्म। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस फिल्म के अंदर कैटरीना कैफ और अक्षय कुमार जो हैं वो 9 से 10 साल बाद एक साथ काम करेंगे, तो दर्शकों के लिए काफ़ी दिलचस्प होगा, फैंस के लिए काफ़ी दिलचस्प होगा। और रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी ये फिल्म तो दमदार होगी ही, क्योंकि उनकी फिल्म में एक्शन ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वहीं दोस्तों सूर्यवंशी फिल्म 2020 की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म भी बन सकती है। दोस्तों आपका क्या कहना है इस बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। वहीं रोज के बॉलीवुड खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें टॉप ऑफ इन फैक्ट्स, ताकि बॉलीवुड की हर खबर मिले आपको सबसे पहले। धन्यवाद।